झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद झूठी सरकार पक्का करो पक्का करो पक्का करो अपना वादा पूरा करो पूरा करो पूरा करो झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद झूठी सरकार मुर्दाबाद 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 गल चित्रों को पक्का करो पक्का करो गल चित्रों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो झूठी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद खतर जितने आ रहे हैं अपने घर सारे आवागे एमपी शर्मा से बड़ा नहीं है सर यू अरविंद शर्मा एमपी था उसके सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे वो भी क्या बने के गया था ये उससे बड़ा नहीं है हमारा अधिकार है नारे लगाना हमारा अधिकार है कि आप हमारा ज्ञापन नहीं लोगे अरविंद शर्मा के सामने मुर्दाबाद के नारे वो भी लेके गया था अब कोई नहीं बोलेगा चुप रहेंगे सब उनका दीन ईमान होगा जमीर जिंदा होगा ना लेके जाएगा अगर जमीर मर गया होगा तो अमृती जाओ कोई परवाह नहीं करता मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 झूठे मंत्री मुर्दाबाद 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 हमारे साथी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हम सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि इस सरकार ने सरकार में आने से पहले हमने जो 2014 में आमरण अनशन किया था दिल्ली में तो उस आमरण अनशन के दौरान हमें शिक्षा जो रामविलास शर्मा जी हैं उन्होंने हमारा आमरण अनशन जो है वो तुड़वाया था ये हमें वायदा करके कि आप लोगों को जो ऐप रेगुलर कर दिया जाएगा जैसे ही हमारी सरकार बनती है लेकिन सरकार बनने हुए भी आप ये देखो कि इतना लंबा अरसा हो गया एक तरह से इन्होंने आज तक हमारी कोई सुध नहीं लिया है हमें कोई बेनिफिट नहीं दिए हैं ना ही हमें नियमितीकरण तो बहुत ज्यादा दूर की बात है हमें किसी तरह की सुविधा तक नहीं दी गई है तो इस इन सब चीजों को देखते हुए एक हमारे अंदर रोष तो भरना ही था तो उसी रोष को हम व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सभी के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हाँ जी सर क्या नाम आपका मेनका शर्मा पहुंचे यहाँ पर हरियाणा के गेस्ट टीचर सभी यहाँ आए हुए थे और इनकी कुछ मांगे हैं रेगुलर करने की तो ये ज्ञापन माने मुख्यमंत्री जी को दे दिया जाएगा माने मुख्यमंत्री जी से इनकी बात भी करा दी जाएगी और बाकी फिर सरकार का और गेस्ट टीचर का आपस में जो भी फाइनल होगा वो सरकार में करना है सरकार तक पहुंच जाएगा बिल्कुल कंफर्म है ये तो हर बार होता है जो भी आते हैं वो सरकार तक पहुंचते हैं उनकी वार्तालाप भी कराया जाता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो यहाँ ज्ञापन दे गया और सरकार तक ना पहुंचे माने मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचता है सेम डे ही पहुंचता है ये और फिर जब भी मुख्यमंत्री जी 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम देते हैं तो बातचीत भी होती है ये कह रहे नाराजगी क्यों आपकी नाराजगी क्यों नाराज कोई नहीं है नाराज कोई नहीं आपस में है भाई बहन है सारे ऐसी कोई नाराजगी नहीं